नमस्ते, मैं सुश्री सरिता स्वादी DES विद्यालय की अध्यापिका हूँ और हिंदी संयुक्त इस विषय के पाठ और कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आज हमारी कविता है ऐसा वसंत कब आएगा, और जिसके कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। और ये बताने जा रहे हैं कि अमीरी और गरीबी में जो खाई है इसे कैसे दूर किया जा सकता है, या ये कैसे दूर होगा। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो खाई है ये दूर हो जाए। तो PPT के माध्यम से इस कविता को हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कविता का नाम ऐसा वसंत कब आएगा। अब यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, तो कवि खुद पूछ रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा। आपको मालूम है कि वसंत ऋतु ऋतुराज वसंत कहलाता है, और हम जानते हैं कि ये ऋतु या वसंत ऋतु हमारे जीवन में बहार ही बहार लाती है। तो कवि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसा वसंत हम लोगों के जीवन में कब आएगा, और इसके कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो चलिए इस सफर पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आप उनकी छवि देख सकते हैं और उनका परिचय है। जन्म 1907 ग्वालियर में हुआ था, मृत्यु 1986 में हुई। परिचय, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। आपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में भी भाग लिया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अंतिमा, पूर्णा, बलिपथ के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर, ये काव्य संग्रह है इनका। तो ये उनका परिचय था। अब देखते हैं कि आज की कविता में वे क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सबका समान अधिकार है। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा। तो ये इनका कहना है, तो आगे हम देखते हैं। उसके बाद ये जो है ये गीत है। गीत साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। स्वर, पद और ताल से युक्त जो गान होता है वह गीत कहलाता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है, गीत को गाया भी जाता है, और ये सभी को मालूम है, हम इतने गीत रोजाना सुनते रहते हैं। उसके बाद प्रस्तावना है इस कविता की, ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसा वसंत कब आएगा इस गीत में कवि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी का मानना है कि जिस दिन सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब का समान अधिकार होगा और राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होगा, उस दिन धरती पर वास्तविक वसंत आ सकेगा। ऐसी ये उनकी मान्यता है। तो चलते हैं कविता की तरफ। तो कविता का पहला मुखड़ा देखिए, ऐसा वसंत कब आएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सृजन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नव यौवनमय जीवन, हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। तो अब इसमें पहले हम शब्द देखते हैं कि कौन कौन से कठिन शब्द हैं। तो पहला शब्द है प्रसून, यानी फूल या पुष्प, जिसे कुसुम भी कहते हैं। उसके बाद है सृजन, यानी निर्मिति, नई चीजों का निर्माण। रण यानी युद्ध, सम यानी समान, वितरण यानी बांटना, मनुज यानी मनुष्य, और कुसुम यानी फूल। तो अब हम देखते हैं ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। तो कवि कहते हैं, संसार में ऐसा वसंत किस दिन आएगा जब हर मनुष्य के जीवन में खुशी रूपी पुष्प कुसुम सुमन अर्थात फूल खिलेगा। अर्थात कवि कहते हैं कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सभी का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। नहीं, उनकी मान्यता है कि सुख सुविधाओं पर भी अमीर और गरीब का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सही मायने में वसंत का आगमन होगा। तो कवि कहते हैं कि जब
वो दिन आएगा तब क्या होगा, तब सही मायने में मनुष्य के जीवन में वसंत का आगमन होगा। प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन में खुशहाली होगी। तो प्रत्येक के जीवन में क्या होगा, खुशहाली होगी। तो फिर से हम एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रसून यानी फूल, पुष्प, सृजन यानी निर्मिति, रण यानी युद्ध, सम यानी समान, वितरण बांटना, मनुज मनुष्य, कुसुम फूल। के बाद दूसरा है, ऐसे वसंत कुछ चले गए प्रासादों ही का नहीं, कुटी का आगमन भी तो है आंगन। सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर्मे स्पंदन, सबके प्राणों का पुलक बने ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। यानी फिर से एक बार देखिए, ऐसे वसंत कुछ चले गए, यानी कुछ ऐसे वसंत तो चले ही गए प्रासादों ही का नहीं, प्रासादों यानी बड़े बड़े महल, यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं प्रासाद यानी महल, प्रासादों ही का नहीं यानी प्रासादों के यानी बड़े बड़े महलों के ही आंगन नहीं, तो कुटी के भी आंगन हुआ करते हैं। कुटी यानी कुटिया, यहाँ पर चित्र देख सकते हैं आप लोग। जिस प्रकार पतझड़ में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, उसी प्रकार साधनहीन मनुष्य के जीवन में अभाव, अभाव यानी कमियों, कमियों का पतझड़ छाया ही रहता है। विषम परिस्थितियों में युद्ध भूमि में अभावों से लड़कर वह कब विजयी होगा। यानी कवि पूछ रहे हैं कि किस दिन ये मनुष्य अपनी उन समस्याओं को सुलझा पाएगा, कब वो युद्ध भूमि में उसके जो अभाव हैं उनसे वो लड़कर जीत सकेगा, कब संसार की सुख सुविधाओं का सभी मनुष्यों में समान वितरण होगा। तो कवि कहते हैं कि कब संसार में यानी जितनी भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं वे मनुष्य में समान कब बटेंगी, कब ऐसा दिन आएगा। वो कहते हैं बड़े बड़े महलों का आंगन भी वैसा ही है, कुटियों के सामने जो आंगन है वो भी समान है, फिर प्रासादों यानी जो महलों में रहने वाले हैं उनको जब सुख सुविधाएं मिलती हैं तो वे खुश होते हैं, लेकिन कुटी के सामने भी जो आंगन है वहां पर इन सुखों का प्रभाव क्यों नजर नहीं आता। इस प्रकार से कवि के मन में ये दुख है, वो चाहते हैं कि जो भी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं वे समान रूप से कब बटेंगी, सबको समान रूप से सुख कब मिल पाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन क्या होगा, उस दिन वास्तव में वसंत का आगमन मनुष्य के जीवन में होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्रासाद यानी महल, कुटी घास फूस की झोपड़ी, उर यानी हृदय, स्पंदन यानी धड़कन, पुलक पुलक यानी हर्ष खुशी। अब तीसरा अंतरा देखिए, कवि के मानस में स्वप्न बना छाया था जो सीमित वसंत, होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वह अनंत, जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा ऐसा वसंत कब आएगा। इन्हें कवि कहते हैं, आगे हम देखेंगे, उससे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। मानस, मानस यानी मन, यहाँ पे कवि अपने मन से बात कर रहे हैं। अनंत जिसका अंत ना हो, और अभिनव यानी नवीन नया। तो कवि आगे कहते हैं, जब वसंत आता है तो महलों में सघन संपन्न, लोगों के घरों में प्रसन्नता का साम्राज्य फैल जाता है। गरीब की कुटिया के सामने वो आंगन है पर वहां इस वसंत का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है, क्यों उसके आंगन में इस प्रकार से वो खुशी का साम्राज्य नजर नहीं आता। सुख और दुख में अमीर और गरीब दोनों को एक जैसी अनुभूति होती है। कवि कहते हैं कि सुख और दुख में अमीर हो या गरीब हो उसे एक जैसी ही अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसा समय ऐसा क्षण कब आएगा जब सभी के जीवन में एक जैसी प्रसन्नता छाएगी, ऐसा वसंत कब आएगा। इन्हें देखो फिर से एक बार देखिए कि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जब वसंत का आगमन होता है तो महलों में यानी जो सघन संपन्न अमीर लोग हैं उनके घरों के आंगन में जब ये प्रसन्नता होती है तो खुशी का साम्राज्य फैल जाता है। गरीब की कुटिया के सामने भी आंगन है लेकिन वहां पर जब ये आता है तो उसका कोई भी प्रभाव नजर नहीं आता। वहां पर ये नजर ही नहीं आता कि कहाँ खुशी है, किसी को दिखाई ही नहीं देती। सुख और दुख में अमीर और गरीब दोनों को एक जैसी अनुभूति होती है। कवि कहते हैं कि जब
मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, या अमीर के जीवन में या गरीब के जीवन में, तो एक समान अनुभूति उन दोनों को होती है। वहां पर अमीर और गरीब ये भेदभाव नहीं होता। लेकिन फिर यहाँ पर ये भेदभाव क्यों है? ऐसा समय, ऐसा क्षण कब आएगा जब सभी के जीवन में एक जैसी प्रसन्नता छाएगी? वो कहते हैं, जब मनुजों का जग भूपर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। यानी ऐसा समय कब आएगा जब सभी के जीवन में एक जैसी प्रसन्नता होगी या छाएगी? तो ऐसा वसंत कब आएगा? कवि बार बार इसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अर्थ देखे थे, मानस यानी मन, कवि का मन ये सब बातें कर रहा है, अनंत जिसका अंत ना हो, और अभिनव, अभिनव यानी नवीन, नई चीजें। अब बात के इसमें आप देख सकते हो, सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव हैं, सबके समान हो भूमि गगन। कब नव युग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा? फिर से एक बार देखिए, सबका समान रवि है, रवि यानी कौन? सूर्य। शशि, शशि यानी चंद्रमा। पवन, मुक्त पवन यानी जो हवा है, मुक्त है, यहाँ वहां आ जा सकती है, उस पर कोई बंधन नहीं है। सारे मानव यदि मानव है, वो कहते हैं कि सारे मनुष्य यदि मनुष्य हैं, सबके समान हो भूमि गगन, तो सबके सामने एक ही प्रकार की भूमि और गगन है। कब नव युग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा? तो इसके शब्दार्थ देखिए, रवि जैसे हमने पहले कहा सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, पवन हवा वायु, गगन आकाश, नभ विश्व यानी संसार, जग यानी दुनिया, संसार जग जगत कह सकते हैं। तो यहाँ कवि पूछते हैं, कवि के मन में ऐसा स्वप्न छाया हुआ है, वसंत जो केवल सीमित लोग अर्थात मुट्ठी भर लोगों के जीवन में ही सुख और प्रसन्नता लाता है। तो कवि कहते हैं कि मन में ऐसा स्वप्न छाया हुआ है कि जो केवल सीमित लोग अर्थात मुट्ठी भर लोगों के जीवन में ही सुख और प्रसन्नता होती है। कब जन जन के जीवन में अर्थात मनुष्य के जीवन में खुशियां कब आएंगी? जब सबके पास या सबके पास जो सपने हैं वो साकार होंगे। कब वसंत कुछ लोगों तक ही सीमित न रहकर सबके जीवन में वो क्या कर पाएगा, प्रवेश कर पाएगा? वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में सूर्य या चंद्र या मुक्त पवन सबके जीवन में समान अनुभव कराती है, सबके जीवन में समान अनुभव होते हैं, सब पर समान अधिकार होता है। कवि कहते हैं, सूर्य चंद्र हवा पर सभी का एक समान रूप से अधिकार है, यदि सभी मानव एक समान है। कवि का प्रश्न है कि यदि सभी मानव एक समान है, यहाँ देखिए सारे मानव यदि मानव हैं, तो वो कहते हैं यदि सभी मानव एक समान है तो इस पृथ्वी और आकाश पर भी सबका एक जैसा अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबके सामने या सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, सबके अधिकार भी समान होने चाहिए। वह दिन कब आएगा जब एक नया युग आएगा, एक नई संस्कृति, एक नई व्यवस्था का जन्म होगा? यानी फिर से एक बार देखिए, कवि कहते हैं कि जब सूर्य चंद्र पवन ये सभी मनुष्यों पर इनका अधिकार है, तो जो मिलने वाले सुख सुविधाएं हैं उन पर मनुष्य का समान अधिकार क्यों नहीं है? ऐसी व्यवस्था कब बदलेगी? नया विश्व कब निर्माण होगा? ऐसा वसंत कब आएगा? और जब ऐसा दिन होगा कि सबके साथ सुख सुविधाएं समान रूप से बटी हुई हैं, तब कवि कहते हैं कि वास्तव में वसंत सबके जीवन में खुशहाली ला पाएगा और उनके इस प्रश्न का उत्तर उन्हें अवश्य मिलेगा। सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए, खिल जाए अधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा? कवि कामना करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं कि समस्त संसार में ऐसे वसंत का आगमन कब होगा जो यहाँ प्रत्येक मानव को भोजन वस्त्र घर प्रदान करे।
अक्सर हम इन बातों पर का जिक्र किया करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान ये सभी को मिले, ये सभी की धारणा होती है कि ये जो हमारी बेसिक नीड्स जिसको कहते हैं, अगर ये पूरी हो जाती हैं तो मनुष्य आगे की सोच सकता है। तो वो कवि कहते हैं कि समस्त संसार में ऐसे वसंत का आगमन हो जो यहाँ प्रत्येक मानव को भोजन, वस्त्र, घर प्रदान करे, यानी उसे रोटी, कपड़ा और मकान ये मिल सके, उसके लिए उसे संघर्ष ना करना पड़े, सभी के जीवन में खुशहाली छा जाए। वो कहते हैं सभी के जीवन में खुशहाली छा जाए, प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में तृप्ति या संतोष की चमक हो। यानी वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी, सबके चेहरे खिल उठेंगे, होठों पर मुस्कान होगी, अधर यानी मुस्कान। यहाँ पर देखो शब्दार्थ देखिए, वसन यानी वस्त्र, भवन यानी मकान, अधर यानी होंठ, अधर होंठ जिसको कहते हैं, ग्रीष्म, शिशिर, ऋतुओं के प्रकार, ये जो है ऋतुओं के प्रकार। तभी कहते हैं कि ग्रीष्म और शिशिर भी यदि होंगे तब भी उसका कोई अलग फर्क नहीं दिखाई देगा, अगर मनुष्य के जीवन में ये चीजें मनुष्य को समान रूप से मिल जाती हैं तो। सबके चेहरे पर ग्रीष्म या शिशिर होने के बावजूद भी वसंत की मुस्कान देखने को मिलेगी, यही कवि कहते हैं। तो कवि की कामना है, कवि क्या कामना करते हैं कि सबके जीवन में ये वसंत हो, हर चीज लोगों में समान रूप से वितरित हो, यानी समाजवाद की कुछ हद तक बातें वो कर रहे हैं। कहते हैं कि जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सुविधाएं समान रूप से लोगों में वितरित हो, उनका वितरण समान रूप से। तो फिर से हमें कविता का सारांश देखते हैं, ऐसा वसंत कब आएगा, ये एक गीत है। तो क्या है, ये एक गीत है जिसे गाया जा सकता है। इस गीत के माध्यम से कवि मिलिंद जी ने मानवता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी के मंगलमय एवं खुशहाल जीवन की कामना की है। यानी वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, सभी के जीवन में इस प्रकार से खुशहाली हो, सभी को जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त हो तो सभी को समान रूप से प्राप्त हो, अमीर और गरीब, ये जो भेदभाव है या जो हम ये भेदभाव किया करते हैं, आज भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से अमीरी और गरीबी की खाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अमीर है वे अधिक अमीर होते जा रहे हैं और जो बेचारे गरीब हैं वे एक समय की रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये जो असमानता है समाज में वो किसी हद तक दूर हो सके, ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं से आ जाए और सभी को ये जो सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो समान रूप से प्राप्त हो, कहीं पर भी अमीर और गरीब इनमें कोई खाई ना हो, लोग एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव इन चीजों को लेकर ना करें, यही कामना वे करते हैं। तो आगे देखिए, कवि के अनुसार सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सभी का समान अधिकार होना चाहिए। वे कहते हैं कि ये समान अधिकार इन लोगों में होना चाहिए और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सच्चे अर्थ में वसंत अर्थात खुशहाली का आगमन होगा। वे कहते हैं कि जब ये दिन आएगा तो सच्चे अर्थ में वसंत अर्थात खुशहाली का आगमन मनुष्य के जीवन में होगा। मानव जीवन अभाव रूपी पतझड़ से भरा हुआ है, यानी वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतने अभाव हैं, जिस प्रकार से पतझड़ में पेड़ से सारे पत्ते गिरते हैं वैसे ही यहाँ पर जो है मनुष्य जो है वो अभावों से ग्रस्त है, पीड़ित है, परेशान है। अतः मानव को अपने जीवन के अभावों पर विजय प्राप्त करने हेतु संघर्ष करना पड़ता है। तो कवि कहते हैं कि इस पतझड़ को दूर करने के लिए हर मनुष्य को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, खासतौर पे जो गरीब कहलाता है उसे हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सुख दुख का मानव हृदय पर समान प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने, आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने एक अंतरे में ये भी कहा था कि सुख दुख का प्रभाव, यानी सुख दुख की अनुभूति जो है वो गरीब हो या अमीर हो, उन दोनों में समान रूप से होती है। तो जब सुख दुख समान रूप से बढ़ते हैं तो कवि के अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम और हर्ष से प्रफुल्लित हो जाएगा
तब वास्तविक वसंत का आगमन होगा। तो उससे पहले वो कहते हैं कि सुख दुख का मानव के हृदय पर समान प्रभाव पड़ता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि उनके सामने जब सुख सुविधाएं बढ़ती हैं तो वो ठीक ढंग से क्यों नहीं बढ़ती, क्यों अमीरों को अधिक मिलता है और गरीबों को कम मिलता है। तो ऐसा होना कि बिल्कुल अन्याय है गरीबों के साथ। तो वे कहते हैं कि अगर ईश्वर ऐसा कर दे कि सभी को समान रूप से सुख सुविधाएं प्राप्त हों, तो इस प्रकार से भाव लोगों के मन में होंगे ही नहीं, कहीं पर भी छोटी चीजों को लेकर भी भेदभाव नहीं होंगे, हर मानव को समान सुख सुविधाएं बटेंगी और वे उसका आनंद उठा पाएंगे। कवि के अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम एवं हर्ष से प्रफुल्लित हो जाएगा तब वास्तविक वसंत का आगमन होगा। सभी का सूरज चंद्र व मुक्त विचरण करने वाले पवन पर समान अधिकार होता है। कवि आगे भी कहते हैं कि सभी का जो इस पर्यावरण में सूर्य चंद्र पेड़ पौधे जो भी हम लोग देखते हैं उनका मुक्त विचरण होता है, वे समान रूप से खुशियां लोगों को देते हैं। हवा भी मुक्त रूप से बहती है, उसका भी आनंद सभी उठा सकते हैं। जब नवयुग समानता पर आधारित नव संस्कृति को अपनाएगा, यानी जब आने वाला ये नवयुग है, इस नवयुग में नवयुग समानता पर आधारित होगी, नव संस्कृति को अपनाएगा यदि मनुष्य, तब नई विश्व व्यवस्था स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। और जब मनुष्य के मन में ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, आने वाला विश्व भी एक नया प्रकार से अपनी व्यवस्था रख पाएगा। और उस नई व्यवस्था में अगर ऐसा होता है कि सुख सुविधाओं का वितरण समान रूप से होगा तो किसी को भी अपने आप को गरीब या अमीर कहलाने की नौबत नहीं आएगी। कवि की कामना है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए भरपेट भोजन, शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए घर उपलब्ध हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद और खुशहाली हो। तो उनका कहने का अर्थ अंतिम यही है कि सभी को जो भी हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये अगर सभी को समान रूप से मिल जाए तो बहुत सा संघर्ष कम हो जाएगा और उसके जीवन में होने वाला आनंद और खुशहाली हमेशा रह पाएगी और वो आगे की कुछ नई बातें भी सोच सकता है। तो अब यहाँ आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कवि ऐसे वसंत की कामना करते हैं जो मनुष्य के जीवन में खुशहाली लाएं और आगे आगे उसका जीवन बहुत ही सुसह्य हो सके। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि ऐसा वसंत कब आएगा, तो इस कविता में किस प्रकार से कवि चाहते हैं कि यहाँ पर समाजवाद हो, यानी सबको समान अधिकार प्राप्त हो, जो सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं वो सभी में एक समान रूप से बट पाए। अगर वे वैसे बट जाती हैं तो यहाँ पर कोई भी अमीर नहीं होगा ना ही कोई गरीब होगा, और ऐसे इसमें हम और भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मनुष्य का अगर थोड़ा सा संघर्ष कम हो, अगर रोटी कपड़ा और मकान इसी को लेकर अगर संघर्ष होता रहता है तो वो आगे नहीं बढ़ता, विकास के सपने हम नहीं देख पाते। तो अगर सबको सुख सुविधाओं का वितरण अगर समान रूप से होता है तो हम ये सारे सपने आगे के सपने पूरे कर पाएंगे। तो हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से अगर होगा तो आगे के सपने हम देख पाएंगे कि हमारा आगे का जीवन कैसा होगा। तो कवि चाहते हैं कि सबका जीवन सुखमय मंगलमय और हर्षमय हो। Thank you.